नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर नवाबगंज हूँ। मैं जब से नवाबगंज ज्वाइन किया हूँ तब से मैं निरंतर अंग्रेजी देसी बियर शराब की दुकानों की जांच कर रहा हूँ और दबिश कर रहा हूँ। जहाँ भी कच्ची की अवैध शराब बिकने की सूचना मिल रही है वहाँ मैं लगातार दबिश कर रहा हूँ और निरंतर दुकानों का निरीक्षण कर रहा हूँ। सर जी, यह बताइए कि नवाबगंज तहसील में कितनी इंग्लिश दारू है, कितने देसी है? अंग्रेजी की 8 दुकानें हैं, देसी की 49 दुकानें हैं और 5 बियर की हैं, 2 मॉडल शॉप हैं। अच्छा, कहाँ कुछ पाया नहीं पाया गया? अभी तक कोई कमी ऐसी नहीं पाई गई। पानी मिलावट या कोई रेट ऐलान? नहीं, पानी मिलावट कोई नहीं पाया गया है अभी तक। जो भी रजिस्टर में ब्रीचेबल कुछ कमियां पाई गई हैं तो उसके लिए जो है कंपाउंडेबल जो है मनी पैसा जमा कराया गया है और ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई है। अच्छा सर, ये मॉडल शॉप बनाए जैसे यहाँ पे महंगा हर चीज़ बेचते हैं, पानी महंगा या कुछ महंगा, तो क्या कहना चाह रहे? नहीं, मेरी प्रायोरिटी है और किसी को, मैं आप सबसे मीडिया वालों से भी अपील करता हूँ कि 1 रुपये किसी को अधिक पैसा दे के नहीं शराब खरीदनी है। जो MRP लिखी है उसी पे शराब बिकनी है। क्या सर जी, मतलब 20 रुपये प्लेट वो बेचते हैं, फिलहाल महंगा तो जैसे लगता है। शराब महंगी नहीं बिकनी चाहिए, मेरा ये प्राथमिकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, 1 रुपये ओवर रेट होना चाहिए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार जी। आप तहसील से? तहसील से हूँ मैं जी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।